क्या ऋतिक रोशन कर रहे हैं अपने करियर के साथ गैम्बल? क्या आमिर खान के फुटस्टेप्स पर चलना होगा उनके लिए रिस्की? लगता है ऋतिक का लेटेस्ट डिसीजन कुछ ऐसा है कि उनका सब कुछ लग जाएगा दाव पर, और साथ में कटरीना का भी। बात दरअसल ऐसी है कि ऋतिक हैज डिसाइडेड कि वो अपनी आने वाली फिल्म बैंग बैंग को किसी भी रियलिटी टीवी शो पर नहीं प्रमोट करेंगे। ऐसी हिम्मत पहले सिर्फ आमिर खान ने धूम 3 के वक्त की थी। अब इसे हम कॉन्फिडेंस माने या फिर रॉन्ग स्ट्रेटजी? कुछ राइवल स्टार्स तो ऋतिक के इस डिसीजन पर हंस रहे होंगे और कुछ ऋतिक की इस नासमझी को शायद समझ भी रहे होंगे। फॉर कलीम सलमानी, पेज 3 जूम। जहां शाहरुख, सलमान, दीपिका अपनी फिल्म टीवी शोज पर प्रमोट ना करें ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, वहीं ऋतिक ने इतना रैडिकल डिसीजन ले लिया है। लेट्स फाइंड आउट द व्यूज ऑफ अ पेज 3 पायनियर एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक ऑन पार्टी शॉटी। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। सिमी, ऋतिक ने डिसीजन लिया है कि वो अपनी फिल्म बैंग बैंग को किसी भी रियलिटी टीवी शो पर नहीं प्रमोट करेंगे। व्हाट आई वांट टू नो इज, क्या इससे उनके करियर का कोई मतलब उसका बैंग बैंग इफेक्ट होगा करियर पर? I think excellent decision and he is bang on because everybody is doing it. So Ritik kuch alag soch rahe hain, and before that, you know, Ritik is bang on. It's a perfect decision he has taken because it goes to show that he has great confidence in himself, in his talent, his performance and his product. यहाँ पर बाकी सारे स्टार्स इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि जब तक वो जाकर फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे, हर जगह जाएंगे, हर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, अपनी मूवी को पुश नहीं करेंगे, दे लिटरली पुशिंग डाउन द मूवी एवरीबडीज थ्रोट्स। और यहाँ पर ऋतिक इज सेइंग कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी मूवी इतनी अच्छी है कि इसे हर रियलिटी शो पर जाकर प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट जस्ट सेज अ लॉट अबाउट हाउ कॉन्फिडेंट ऋतिक इज, हाउ डेडिकेटेड ही इज टू व्हाट ही हैज डन इन द मूवी। और जो उनसे पहले एक स्टार हैं जो सेम सोच रखते हैं वो है आमिर खान। यस, एंड आई डोंट थिंक कि ऋतिक ने आमिर खान को नेसेसरली यहाँ कॉपी किया है। इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस। दोनों आमिर और ऋतिक ने यहाँ पर इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस दिखाया है कि हम अपनी मूवीज़ को ज़बरदस्ती जाकर यू नो हर शो पर, हर रियलिटी शो पर प्रमोट नहीं करेंगे। एंड आमिर खान वॉज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट जब उन्होंने कहा कि एक पीपली जैसी मूवी है जिसके लो बजट्स हैं, इसे हम अगर प्रमोट करें तो इट मेक सेंस। बट ऑफकोर्स इज बिसाइड्स द पॉइंट कि वो पीपली मूवी में ग्लैमर भी नहीं था और इतना दम भी नहीं था और चली भी नहीं। एंड आमिर को शायद ये पता था एंड उन्होंने अपनी पूरी जान वहाँ पर लगा दी उसे प्रमोट करने में। धूम 3 में देयर वाज लॉट ऑफ ग्लैमर, देयर वाज एक्शन, देयर वाज कटरीना लुकिंग वेरी वेरी सेक्सी, देयर वाज ग्रेट म्यूजिक। सो इट वाज अ गिवन दैट द मूवी इज गोना डू वेल and Aamir could afford to say that hey, I'm not going to promote it on any of these reality shows. Peepli mein Katrina Kaif was not there looking hot and sexy, so he needed the reality shows to promote that movie and it still did not work. So the logic here is ki aap kitna bhi ek movie ko promote kar lo, it's going to add a little bit to your box office, but eventually जो टीवी शोज के व्यूअर्स हैं वो बेचारे बोर होने वाले हैं, लेकिन पिक्चर थोड़ी सी चल जाएगी, इवेंचुअली पिट जाएगी। We also have Katrina in Bang Bang. So, जो ये decision होता है, you think वो co-stars पे भी effect करता है? I'm sure it's going to affect her. But eventually, the movie is seeming like a really good movie. And if it does well, all is well that ends well. But Katrina, after Dhoom 3, this is her next big movie. In fact, it's her only movie. So, I don't know how she's reacting to this. It's for her to know, and I can't speak for Katrina here.